हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली, दैट इज आईसर मोहाली की तरफ से आए हुए पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। यस, जनवरी 2022 सेशन के लिए एप्लीकेशन इन्वाइट किए गए हैं एंड उसी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। सो उससे रिलेटेड जो भी लिंक्स हैं वो सभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, दैट इज जैसे ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके बाद हम जो फर्दर वेब पेजेस पर विजिट करेंगे उन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। So do check it out and also अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। सो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट isrmohali.ac.in। एज आई सेड लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। देन स्क्रॉल करने के बाद यहाँ न्यूज एंड अनाउंसमेंट्स का सेक्शन है। लेटेस्ट अनाउंसमेंट है एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम January 2022। सो इसी पे आपको क्लिक करना होगा। देन नेक्स्ट डेडिकेटेड पोर्टल या वेब पेज ओपन होगा जो कि ये है। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो ये कैंपस है। सो एनीवेज, एडमिशंस टू पीएचडी प्रोग्राम January 2022, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम एट आईसर मोहाली। कौन कौन से एरियाज हैं? सो एरियाज हैं मेनली बायोलॉजिकल साइंसेज, केमिकल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज, अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज एंड एचएसएस के। ठीक है, ये ओवरऑल स्कूल्स हैं। इसके अंडर कुछ एरियाज हैं जो कि अवेलेबल हैं जनवरी 2022 सेशन के लिए है। एंड बाकी अगर कुछ आपका ऐसा सब्जेक्ट है और आप इंटर डिसप्लिनरी एरिया में बेसिकली चाहते हो करना रिसर्च तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड बाकी इन्फॉर्मेशन आप वेबसाइट पर विजिट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्राइटेरिया। सो यस, JRF होना चाहिए। और क्या हो सकता है? सो देखिए, सबसे पहले तो एप्लीकेंट शुड हैव अ मास्टर्स डिग्री और BTech, MBBS, MTech, सो डायरेक्ट PhD का भी ऑप्शन है। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, एटलीस्ट हाई सेकेंड क्लास। तो हाई सेकेंड क्लास होना चाहिए तो समझ लीजिए कि मोर देन 50% ऑब्वियसली, बट यस 60% से ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है। एंड शुड बी CSIR और UGC JRF, ICMR JRF, DBT JRF, DBT Bing, DST Inspire, NBHM क्वालिफाइड। आपने रेलिवेंट सब्जेक्ट में इनमें से कोई एग्जाम क्वालिफाई किया हो, फेलोशिप आपको मिलती हो, ठीक है, या फिर प्राइवेट से अगर स्पॉन्सर्ड भी हो कोई फेलोशिप वो भी मिलती हो तो आप उस तब भी एलिजिबल हैं। अगेन एडिशनल डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन द लिंक, तो ये वेबसाइट के लिंक है, इस पर विजिट करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो डिपार्टमेंट वाइज सबसे पहले है बायोलॉजिकल साइंसेज, सेम है मास्टर्स डिग्री, BTech, MBBS, MTech और MPharm है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड एंड एटलीस्ट 60% लिखा है। सो 60% मिनिमम है, 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं। एंड शुड बी UGC, CSIR, JRF, ICMR, JRF, DBT, JRF एक्सेट्रा, तो JRF होना चाहिए रेलिवेंट सब्जेक्ट में फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज। सेम है फॉर केमिकल साइंसेज, मास्टर्स, BTech, MBBS एक्सेट्रा डिग्रीज हो, 60% तो मिनिमम हो, बट इसमें हाई क्लास लिखा है, हाई सेकेंड क्लास लिखा हुआ है। देन यहाँ पे है शुड बी CSIR और UGC JRF, इंस्पायर फेलो एक्सेट्रा। इंटरेस्टेड जो भी रिसर्च स्कॉलर्स होंगे या द रिसर्च इंटरेस्ट ऑफ कैंडिडेट जो भी आपका होगा वो ड्यू कंसिडरेशन की रहेगा, मतलब जो आप जिस पर्टिकुलर एरिया में वर्क करना चाहते हैं वो कंसीडर किया जाएगा। बाकी एडिशनल कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन्हें चेक कर लीजिए। फिजिकल के लिए भी सेम है, BTech हो, MTech हो या फिर मास्टर्स हो, एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा हो, हाई सेकेंड क्लास एटलीस्ट हो एंड JRF हो या फिर NBHM, ओके NBHM मैथ्स के लिए होता है, सो JRF क्वालिफाई हो। नेक्स्ट मैथमेटिकल साइंसेज, सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट BTech डिग्री विद अ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। How to apply? So candidates must appear for NBHM doctoral scholarship test, जो कि NBHM के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। अप्लाई करते टाइम जब अभी आप आईसर मोहाली के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको अपना रोल नंबर इस पर्टिकुलर टेस्ट का मेंशन करना होगा एप्लीकेशन में। उसके बाद है सिलेक्शन, जो भी आपकी NBHM में परफॉर्मेंस होगी उसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे है कैंडिडेट्स के लिए, सो बेस्ड ऑन दिस परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू, जो भी इंटरव्यू में आपकी परफॉर्मेंस होगी उन्हीं कैंडिडेट्स को ऑफर किया जाएगा जिनके पास एटलीस्ट कोई ना कोई एक्सटर्नल फंडिंग भी हो, ठीक है, फेलोशिप मेनली होनी चाहिए। नेक्स्ट अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज, सो यस सेम मास्टर्स डिग्री और एमटेक डिग्री, एटमॉस्फेरिक साइंस, अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंसेज, जियोफिजिक्स, मेटीरोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, क्लाइमेट साइंस, मैथमेटिक्स, रिमोट सेंसिंग, CS, AI, डेटा साइंसेज एक्सेट्रा, साथ में JRF हो या फेलोशिप हो DST इंस्पायर की। नेक्स्ट
नेक्स्ट एच एस एस। सो यस, इसके लिए मास्टर्स हो, एम ए हो, एम एस सी और एम फिल डिग्री हो, मिनिमम 55% मार्क्स के साथ तो आप एलिजिबल हैं। एंड ये सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। सो इनमें से किसी सब्जेक्ट में अगर आपने एम ए, एम एस सी, एम फिल किया है तो आप एलिजिबल हैं, राइट। सोशोलॉजी, एंथ्रो, आर्क्योलॉजी, एंशियन इंडियन हिस्ट्री, देन मॉडर्न हिस्ट्री, अर्बन हिस्ट्री, पोलिटिकल इकोनॉमी, अर्बन स्टडीज, इंग्लिश लिटरेचर, कौन कौन से एरियाज हैं लिटरेचर में वो आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद थिएटर, फिक्शन, डेवलपमेंट स्टडीज, साउथ एशियन स्टडीज, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पब्लिक पॉलिसी एक्सेट्रा। सो इन्हें देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया गया, दैट अपार्ट फ्रॉम अप्लाइंग ऑनलाइन एन एप्लीकेंट मस्ट सेंड अ एसओपी मिनिमम 1500 वर्ड्स का जो कि होगा टू द फॉलोइंग ईमेल। ये ईमेल आईडी है, इस पे आपको एसओपी भेजना है, ठीक है। सिर्फ एचएसएस के लिए ऐसा मेंशन है। आपका जो भी ब्रॉड रिसर्च एरिया जैसे हिस्ट्री, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा, तो उसके अंडर एसओपी आपको प्रिपेयर करना है, मिनिमम 1500 वर्ड्स का होगा। एंड ये ईमेल आईडी है, इसी पे आपको सेंड करना है। और सब्जेक्ट में आप ब्रॉड सब्जेक्ट एरिया ही अपना लिखेंगे, ठीक है। जैसे ब्रॉड सब्जेक्ट एरिया हिस्ट्री है तो आप उस मेल के सब्जेक्ट में लिखेंगे हिस्ट्री, करेक्ट। बाकी इन्फॉर्मेशन को चेक कर लीजिए। एंड यहाँ भी है, आपने एलिजिबिलिटी टेस्ट विद फेलोशिप क्वालिफाई किया हो। कैंडिडेट जिनका भी रिजल्ट नहीं आया वो भी अप्लाई क्या कर सकते हैं? सो नहीं, द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट येट क्वालिफाइड इंक्लूडिंग दोज हु आर अवेटिंग रिजल्ट्स एनी ऑफ द अबव मेंशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट विल नॉट बी शॉर्टलिस्टेड। ओके, सो अगर जैसे जेआरएफ एंड ऑल है तो उसका रिजल्ट अगर नहीं आया है अभी तो आप एलिजिबल नहीं है। तो अगर आपके पास फेलोशिप है, 100% श्योर है, तभी आप अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट पीएमआरएफ से रिलेटेड है। उसके बाद स्टूडेंट जो कि एससी, एसटी, पीडी, ओबीसी, एनसीएलई, ईडब्ल्यूएस के हैं और जिन्होंने अबव मेंशन जो भी नेशनल लेवल टेस्ट है उन्हें नहीं क्वालिफाई किया है बट गेट, जेस, जीपैट, आईसीआर, नेट या नेट एलएस क्वालिफाई किया है, तो यस, आप भी एलिजिबल हैं, वुड बी एलिजिबल फॉर कंसिडरे ऑफ अवार्ड ऑफ इंस्टीट्यूट पीएचडी फेलोशिप। तो यस, जेआरएफ नहीं है अगर इन कैटेगरी के कैंडिडेट्स, तो आपको भी कंसीडर किया जाता जा सकता है, इंस्टीट्यूट फेलोशिप भी आपको मिलेगी, ठीक है। बाकी यस, फेलोशिप होल्डर्स या फेलोशिप अवार्डीज को एनकरेज तो किया ही गया है, उन्हीं को प्रेफरेंस मिलती है यूजुअली। सो देन एप्लीकेशन प्रोसीजर है, लिंक आपको दिख रही है, ब्लू कलर्ड है। ये सभी लिंक्स अभी पोर्टल पर विजिट कर लेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फैसिलिटी पर क्लिक करके आप विजिट करेंगे एंड अप्लाई कर पाएंगे। कुछ इंस्ट्रक्शंस है, सो फॉर्म फिल करने से पहले प्लीज इन्हें जरूर पढ़ लीजिए। लास्ट डेट है 10th of November 2021 टिल 12 noon, दिन में 12 बजे तक 10 नवंबर आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड बाकी इंफॉर्मेशन के लिए आप विजिट कर सकते हैं इनकी वेबसाइट्स पे। ओके, सो ये ओवरऑल इन्फॉर्मेशन थी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फैसिलिटी पे हम क्लिक करेंगे, देन ये डेडिकेटेड पोर्टल है जिसके थ्रू आपको करना है अप्लाई, ये लिंक है एंड ये है पोर्टल, ठीक है। सो अप्लाइंग फॉर्म में आप सेलेक्ट कर लेंगे पीएचडी एडमिशन एंड देन ईमेल आईडी के साथ आप रजिस्टर करेंगे, करेक्ट। सो गाइज, दैट इज इट फॉर टुडे। लिंक्स ऑलरेडी कई बार बोला कि डिस्क्रिप्शन में है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।